वाइफ का वैकेशन पर एक जर्नलिस्ट के साथ अफेयर हो जाता है। उसके साथ भाग जाने वाली थी, पर जाते जाते रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया। उस वजह से उसकी याददाश्त चली गई। ये सब बातें जब हस्बैंड को पता चली तो उसने कुछ ऐसा डिसीजन लिया जो सब कुछ बदल कर रख देता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको द लास्ट लेटर फ्रॉम योर लवर ये 2021 की एक रोमांटिक हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारे मेन कैरेक्टर को उसके हस्बैंड लॉरेंस के साथ घर आता देख सकते हैं। जेनिफर का कार एक्सीडेंट हुआ था और उसके बाद अपनी मेमोरी उसने लूज कर दी थी। लॉरेंस उसका हस्बैंड था, ये भी बात उसे पता नहीं थी। ये हमारा टाइम 1965 का है। घर पर आने के बाद अपनी सारी चीजें वो देखती है। लॉरेंस के पास उसका एक लेटर था जो छुपा कर रख देता है। सब कुछ याद करने का जेनिफर बहुत ट्राई कर दिया, उसे कुछ भी याद नहीं आ रहा था। लॉरेंस उसे कहता है कि फिर से तुम्हें घर पर देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। रात में उसे किस कर वो सो रहा था तो जेनिफर उसे लॉरेंस बुलाती है, पर उसे घर पर वो लेनी बुलाया करती थी। इस बात से उसे जरा बुरा लगा। मूवी शिफ्ट होती है और हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं। हमारी मेन कैरेक्टर एली ने अभी अभी वन नाइट स्टैंड बिताया हुआ था। उसके साथ उठी और रियलाइज करती है कि उसे जाना पड़ेगा। वो कोई भी सीरियस रिलेशनशिप नहीं चाहती थी। अभी अभी वो एक बहुत ही लॉन्ग रिलेशनशिप से बाहर आई थी और कुछ भी सीरियस चाहती नहीं थी। अपने ऑफिस आई तो उसके फ्रेंड्स उस पर गुस्सा थे क्योंकि उन्हें कुछ बताए बिना वो बार से चली गई थी। उन्हें सॉरी कहती है और इसके बाद वो एक मीटिंग के लिए गए। उनके एडिटर की डेथ हुई थी और उस पर एक आर्टिकल एली लिखने वाली थी। इसके लिए रिसर्च करने के लिए, एडिटर की फाइल्स देखने के लिए वो अर्काइव में जाती है। वहां पर इस सबको संभालने वाला हमारा और एक मेन कैरेक्टर था, इसका नाम था रोरी। उसे सब डॉक्यूमेंट्स देखने के लिए इंक्वायरी करती है, पर रोरी ने कहा कि पहले तुम्हें अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। एली ने कहा कि मैं तो यही काम करती हूँ, फिर भी मुझे क्यों अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। रोरी कहता है तुम्हें ऑनलाइन पोर्टल पर जाना पड़ेगा और वहां से तुम अपॉइंटमेंट बुक कर सकती हो। रोरी की इन सब बातों से एली बहुत चिढ़ गई थी। फिर से हम पास में जेनिफर को देखते हैं, वो अपने फ्रेंड से बात कर रही थी। जेनिफर ने कहा कि मुझे अपनी खुद की लाइफ के बारे में पता नहीं है, मेरे और मेरे हस्बैंड में रिलेशनशिप कैसी थी, सब कुछ कैसा चल रहा था। फ्रेंड कहती है कि तुम बहुत ही हैप्पी हाउसवाइफ थी, बाकी तुम्हें लोड लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा हस्बैंड बहुत काम करता है और इसके लिए उसे जरा बाहर जाना पड़ता है। तुम अकेली रहती थी, बस सिर्फ यही एक प्रॉब्लम थी। जेनिफर अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर कर रही थी और वहां पर लॉरेंस उसे ड्रिंक नहीं करने देता क्योंकि डॉक्टर ने उसे मना किया था। लॉरेंस का बिहेवियर थोड़ा सा बॉसी भी था। प्रेजेंट में एली अपॉइंटमेंट लेकर आई। वो अपने साथ कॉफी और कुछ खाने के लिए लेकर आई थी तो रोरी कहता है कि तुम ये सब अंदर नहीं लेकर जा सकती। एली रिसर्च करने लगे तो रोरी ने कहा कि मैं तुम्हें पहचानता हूँ, तुम्हारे सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े हुए हैं। रिसर्च करते वक्त एली को एक लेटर मिला जो पास्ट में बूट ने जेनिफर को लिखा हुआ था। इसमें लिखा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, न्यूयॉर्क में अपना जॉब में एक्सेप्ट करने वाला हूँ, ट्रेन 7 बजे निकल रही है, वहां पर मैं तुम्हारा वेट करूंगा। तुम जिस मैरिज में हो इसमें तुम हैप्पी नहीं हो, प्लीज मेरे साथ आकर एक नई जिंदगी स्टार्ट करो, हम एक दूसरे के साथ बहुत खुश रह सकेंगे। एली ये देखकर सरप्राइज थी क्योंकि लेटर उसके एडिटर का नहीं था। इस लेटर की फॉर्मेलिटी उसे अच्छी लगती है क्योंकि आजकल तो लोग सिर्फ टेक्स्ट पर ही ब्रेकअप कर लेते हैं। एली स्टोरी में इंटरेस्टेड होके उसे लगने लग गया कि इस लेटर को लेकर उसे रिटर्न करना चाहिए। पास में जेनिफर को बूट का लेटर मिलता है। उसने लिखा था, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, लास्ट टाइम जब तुम गई थी तो अपसेट होकर गई थी, तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुमसे फिर से मिलना चाहता हूँ, कल प्लीज पार्क में आकर मुझे मिलना। ये लेटर मिलने के बाद जेनिफर घर को पूरी तरीके से ढूंढने लग जाती है। उसे और एक लेटर मिला जिसमें लिखा था, समर में हम दोनों ने जो भी टाइम स्पेंड किया मैं इसे भूला नहीं पाऊंगा। और इसके बाद जेनिफर की स्टोरी एक्सीडेंट के पहले हमें बताई जाती है। समर हॉलीडे के लिए जेनिफर और लॉरेंस कहीं दूर आए थे। वो लॉरेंस के साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड करना चाहती थी, उसे लंच के लिए बुलाती है। लॉरेंस ने कहा कि मुझे सिर्फ डिनर के लिए टाइम है। यहाँ पर भी वो बहुत सारा काम कर रहा था। ये सब स्टोरी पढ़ते पढ़ते रोरी को बहुत इंटरेस्ट आता है। उसे लगता है कि शायद इस पर वो आर्टिकल लिख सकती है। रोरी उसका सारा वर्क नोटिस कर रहा था और कहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें अपॉइंटमेंट लेनी हो तो तुम मुझे डायरेक्टली ईमेल कर सकते हो। फिर से हम पास में जेनिफर की वैकेशन देखते हैं। लॉरेंस का इंटरव्यू लेने के लिए एक जर्नलिस्ट आया हुआ था। लॉरेंस जरा लेट हो रहा था तो दोनों बात करने लग गए। जेनिफर को डिनर करते वक्त पॉलिटिक्स के बारे में बात करना अच्छा नहीं लगता था और इसी वजह से उन्हें वो टॉपिक चेंज करने के लिए कहती है। एंथनी इस बात को इग्नोर करता है और बाद में बीच के पास जब वो एक लड़की के साथ था उसे कहता है कि इन रिच लोगों को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, वर्ल्ड में क्या चल रहा है वो सिर्फ अपना डिनर एंजॉय करना चाहते हैं। ये सब बातें जेनिफर ने पीछे से सुन ली। उसे कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बातें इतनी बोरिंग लगती है तो पहले ही तुम डिनर छोड़कर जा सकते थे। एंथनी कहता है कि मैं ड्रंक हूँ और उसे सॉरी कह रहा था, पर जेनिफर गुस्से में चली गई। अगली सुबह उसे एक लेटर देता है, कहता है कि इसमें मैं तुम्हें सॉरी कह रहा हूँ। जेनिफर अपने फ्रेंड के सामने उसे लेटर पढ़कर सुनाने के लिए कहती है। अपोलोजी में एंथनी ने लिखा था कि सॉरी कहने के लिए तुम्हें और लॉरेंस को मैं डिनर के लिए लेकर जाना चाहता हूँ।
जेनिफर अपोलॉजी एक्सेप्ट कर दिया, उसे उसके होटल तक उसने छोड़ दिया। इसके बाद ये सब लोग डिनर के लिए मिले। लॉरेंस उसे पूछता है कि क्या तुम्हारी शादी हुई है। एंथनी ने कहा कि मेरा डिवोर्स हो चुका है। उसे एक बेटा है जो अपनी मदर के साथ रहता है। लॉरेंस वेटर के साथ बहुत ही रूड था। उसे एक कॉल आ जाता है और वो चला जाता है। एंथनी की बातें सुनकर लॉरेंस को एक बुक का कैरेक्टर याद आ गया जिसका नाम था बूट, और उसे वो वही बुलाने लगती है। उन्हें वेटर बता देता है कि लॉरेंस अपने काम से चला गया। जेनिफर फ्री थी तो बूट को अपनी बोट पर लेकर गए। एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा व्यू था। एंथनी उसे पूछता है कि क्या तुम बहुत सारा ट्रैवल करती हो। जेनिफर ने कहा कि पहले तो हम बहुत ट्रैवल करते थे पर अब सब कुछ बंद हो चुका है। उसे पूछता है कि तुम और लॉरेंस कैसे मिले थे। जेनिफर कहते हैं कि उसके पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स फ्रेंड्स थे, हम दोनों एक दूसरे से मिले, उसके 3 मंथ्स बाद हम दोनों एंगेज थे। जेनिफर ने पूछा कि अपने बेटे के बारे में बताओ। एंथनी कहता है कि उसकी मदर मुझे उससे मिलने नहीं देती, मुझे लगता है कि शायद मैं एक बैड इन्फ्लुएंस हूँ, मैंने उस पर चीट किया था, उस वजह से वो गुस्सा है। जेनिफर ने पूछा कि क्या इसी वजह से तुम ड्रिंक करते हो। एंथनी कहता है कि प्लीज मुझे सुधारने की कोशिश मत करो, तुम्हारे साथ जब मैं होता हूँ तो बहुत ही नर्वस फील करता हूँ। जेनिफर ने पूछा कि क्या तुम किसी से प्यार करते हो। एंथनी कहता है कि मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करता हूँ। जेनिफर कहती है कि मैं हैप्पीली मैरिड हूँ। फिर से प्रेजेंट में एली को और एक लेटर मिला। वो स्टोरी में बहुत इन्वेस्टेड थी और उसे और भी जानना था। वो रोरी से पूछती कि इसके और लेटर्स कहाँ पर मिलेंगे। उसे कहता है कि हमें एक्चुअल अर्काइव में जाना पड़ेगा, इसके लिए बहुत सारे परमिशन की जरूरत थी, ये सब काम रोरी करने वाला था। फिर से पास में जेनिफर जब अपने फ्रेंड के साथ बीच पर गए तो वहां पर उसने एंथनी को देखा। उसके पास बीच के कपड़े नहीं थे तो उसे वो लेटर लिखती है, कहती कि लॉरेंस को जरा काम था और इसी वजह से कुछ दिनों के लिए वो बाहर चला गया। तुम्हारे पास बीच के लिए कपड़े नहीं है तो मैं तुम्हें हेल्प कर सकती हूँ, मैं भी अकेली नहीं रहूंगी और हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। एंथनी को जेनिफर की हेल्प बहुत ही अच्छी लगी। जेनिफर कुछ दिनों बाद फिर से उससे मिलना चाहती थी पर एंथनी कहता है कि आजकल मैं फ्री हूँ, हम दोनों रोज मिल सकते हैं। इसके बाद ये अलग अलग जगह पर घूमते, इस सारे प्लेस को एक्सप्लोर करते। अपने लेटर्स के थ्रू भी इनकी बात आगे बढ़ रही थी। एक बार ऐसे ही घूमते हुए बहुत ही बारिश आने लग गए। ये दोनों कार में आ गए पर कार स्टार्ट नहीं हुई। बोर होने से अच्छा एंथनी कहता है कि मेरे पास एक गेम है, अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि हम दोनों एक बीच पर है, हमारे पास बहुत ही अच्छा लंच है, उसके बाद हम फिशिंग कर रहे हैं। तुम्हें एक बहुत ही बड़ा सा फिश मिला। उसका हाथ अपने हाथों में ले लेता है और कहता है कि तुम्हारे लिए मैं एक नेकलेस बनाता हूँ। इन करीबियों से जेनिफर जरा ऑकवर्ड हो गए। उसने गाड़ी स्टार्ट की, उसे होटल पर वो छोड़ देती है। एक दिन एंथनी जरा लेट हो गया था, नीचे उसका वेट कर रही थी तो उसके रूम में वो चली गई। वो उसके पास आ जाती है और उसने उसे किस कर लिया। एंथनी जरा उससे दूर चला गया। जेनिफर को लगा कि उसे नहीं चाहता। इस बात से एम्बैरस्ड होकर वो घर आके उसे बहुत बुरा लगता है, किसी भी चीज में उसका मन नहीं लगता। थोड़े दिनों बाद लंदन में वापस आने के बाद एंथनी का उसे एक लेटर मिलता है। ये लेटर देखकर वो एक्साइटेड हो गए। एंथनी ने कहा कि उस मोमेंट पर मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं कर रहा था और मुझे लगा कि शायद हम दोनों के बीच में जो करीबी आ गई थी इसी वजह से तुम कुछ डिसीजन ले रही हो। मैं भी तुम्हें बहुत चाहता हूँ पर हमें ओपन माइंड से इस डिसीजन को लेना चाहिए। मैं 5 बजे तुम्हारा गार्डन में वेट करूंगा, अगर तुम नहीं आई तो समझ लूंगा कि तुम अपनी लाइफ के साथ मूव ऑन कर गई हो। जेनिफर उसके पास आ जाती है। इसके बाद उन दोनों ने किस कर लिया। रात में एक क्लब में गए और डांस कर बहुत मजे करते हैं। इसके बाद वो इंटीमेट हो गए। प्रेजेंट में और भी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एली रॉरी के साथ अर्काइव में आई। उन लेटर से उसे पता चलता है कि जेनिफर और एंथनी ने अपने रिलेशनशिप को कंटिन्यू किया था। एंथनी ने लिखा था कि हमेशा मैं तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ। एक दिन उसे मिलकर कहता कि हम दोनों को भाग जाना चाहिए, मुझे न्यूयॉर्क में जॉब मिली है, हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रह सकते हैं। जेनिफर कहती कि मैं नहीं कर सकती, मेरी पूरी लाइफ यहाँ पर है, मेरे फ्रेंड्स मेरे पेरेंट्स को मैं नहीं छोड़ सकती, अगर तुम मुझसे बोर हो गए तो मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो जाऊंगी। पहले एंथनी ने अपनी वाइफ पर चीट किया था, इसी वजह से जेनी उस पर डाउट कर रही थी। एंथनी कहता है कि पूरी लाइफ में मैंने तुम्हारे साथ मैं जो फील करता हूँ ऐसा कभी भी फील नहीं किया। जेनिफर उसकी बात नहीं मान सकती थी और वहां से वो चली गई। इसके बाद ही एंथनी ने जेनिफर को लेटर लिखा था जिसमें ट्रेन 7 बजे थी, उसे वो बुला रहा था। उस रात जेनिफर का लॉरेंस के साथ डिनर था, वो अपने काम पर था तो उसे मना कर देता है। जेनिफर ने अपनी रिंग निकाली और एंथनी को परस्यू करने के लिए निकल पड़ी। उसे जरा लेट हो गया था, अपने ड्राइवर को जल्दी चलाने के लिए कहती है। जल्दी जल्दी में उनका एक्सीडेंट हो जाता है और इसी वजह से उसकी याददाश्त चली गई थी। ड्राइवर भी कोमा में चला गया था। ये सब स्टोरी पता चलने के बाद एली कहती है कि हमें लेटर बॉक्स चेक करना चाहिए। रोरी का फोन बजने लग गया तो एली उठा लेती है। ये उसके फ्रेंड्स का था और एली को पता चला कि आज रोरी का बर्थडे है। वो एक्साइटेड होकर उसे पार्टी के लिए लेकर जाती है। पार्टी पर रोरी की एक्स गर्लफ्रेंड आई हुई थी। एली पूछती कि तुम दोनों के बीच में हुआ क्या था। रोरी कहती कि वो रिलीजियस थी और मैं गॉड पर बिलीव नहीं करता, इसी वजह से उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। रोरी पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है।
एली ने कहा कि मैं एक बहुत ही लॉन्ग रिलेशनशिप में थी, उसे बच्चे चाहिए थे और मुझे नहीं चाहिए थे। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सिर्फ उसके साथ बच्चे नहीं चाहती। ब्रेकअप होने के बाद कुछ दिन वो एक साथ रहे थे और फिर से एक बहुत बड़ा ब्रेकअप उनका हुआ था। इसके बाद ये दोनों पार्टी में बहुत एंजॉय करते। रात में एली रोरी के साथ उसके घर पर आके दोनों कुछ बात करते। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। सुबह होने पर एली रियलाइज करती है कि वो कोई भी रिलेशनशिप नहीं चाहती। इसी वजह से बिना कुछ कहे वहां से वो चली गई। उस लेटर बॉक्स का पता निकालने का उसने ट्राई किया, पर प्राइवेसी पॉलिसी की वजह से उसे कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकती। रोरी का उसे मैसेज आता है, पर एली उसके सारे मैसेज इग्नोर कर रही थी। लेटर्स पढ़ने के बाद एली ने जेनिफर को लेटर लिखा था। जेनिफर उसे रिप्लाई में लिखती है कि उस वक्त के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करना चाहती। उस लेटर के एड्रेस से एली डायरेक्टली जेनिफर के घर पर पहुंच गई। उसे फिर से बात करना चाहती थी, पर जेनिफर ने कहा कि मेरे और एंथोनी के बीच में जो भी हुआ वो सब प्राइवेट चीज है, इसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहती। रोरी को फर्स्ट टाइम यहाँ से एंथोनी का नाम पता चला, वरना लेटर्स में तो बूट ही लिखा हुआ था। पास में जेनिफर की यादा चली जाने के बाद एक बार वो पोस्ट ऑफिस में आई। वहां से उसे पता चलता है कि लॉरेंस ने उसका पोस्ट बॉक्स बंद कर दिया है। इस बात से वो गुस्सा हो जाती है और फिर से ओपन करने के लिए कहती है। घर आने के बाद उसने लॉरेंस की चाबी ली और सब कुछ वो सर्च कर दिया। जिस रात एंथोनी के साथ वो भागने वाली थी उस रात का लेटर उसे मिल जाता है। वो समझ जाती कि लॉरेंस उसे सब कुछ छुपा रहा था। इस बात को लेकर उसने उसे कन्फ्रंट किया, बताया कि तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो अफेयर चल रहा था। जब तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था तो तुम्हारी गाड़ी में एंथोनी भी था। उसकी डेथ की न्यूज की वजह से तुम्हें बहुत बुरा लग सकता था, इसी वजह से सारी बातें मैंने तुमसे छुपा ली थी। इस बात से जेनिफर को बहुत बुरा लगता है। प्रेजेंट में एली एंथोनी के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन निकालना चाहती थी। उसने कुछ आर्टिकल सर्च किए और एंथोनी का पूरा नाम उसे पता चल जाता है। न्यूज़पेपर कंपनी से उसने एंथोनी का एड्रेस निकाल लिया। आजकल रोरी उसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, पर उसका कोई भी टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं करती। एंथोनी का एड्रेस मिलने के बाद उसे मिलने के लिए वो चली गई। उसे पूछती कि क्या तुम दोनों उस रात मिले थे, क्या तुम दोनों न्यूयॉर्क गए थे। एंथोनी कहता है कि उस रात तो नहीं मिले, पर एक बार हम दोनों एक दूसरे से टकराए थे। जेनिफर अपनी फैमिली के साथ न्यूयॉर्क आई थी और वहां पर उसने एंथोनी को देखा। उसे देखकर उसे सारी चीजें याद आ जाती है और चक्कर आकर वो नीचे गिर गई। उसे होश आया तो एंथोनी उसके पास ही था। उसे कहती कि चलो हम कहीं पर चलते हैं। जेनिफर कहती कि तुम्हें मुझ पर बहुत गुस्सा आया होगा। उस रात जो भी हुआ था इस सब के बारे में उसे बता देती है। एंथोनी कहता है कि उस रात तुम्हारे डिसीजन का मैंने रिस्पेक्ट किया था। जेनिफर कहती कि मुझे बहुत बुरा लगा था, मैंने तुम्हें हमेशा के लिए खो दिया। एंथोनी कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे थोड़ा सा दूर था। एंथोनी कहता है कि अब तुम मेरे साथ रह सकती हो। जेनिफर कहती कि अब मुझे एक डॉटर है। एंथोनी ने कहा कि उसे भी लेकर आओ। अपनी बेटी की वजह से अपनी लाइफ को इस तरीके से डिस्टर्ब नहीं कर सकती थी। एंथोनी कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए वेट करने के लिए कहो, मैं तुम्हारे लिए बहुत टाइम तक वेट कर सकता हूँ। जेनिफर कहती कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, पर वो सॉरी थी, उसके साथ वो नहीं रह सकती। एली ने सारे लेटर्स एंथोनी को दिखाए थे। एंथोनी कहता है कि ये सब कुछ जाकर जेनिफर को दे दो। एली कहती है कि मुझसे बात नहीं करना चाहती। एंथोनी कहता है कि तुम एक जर्नलिस्ट हो, तुम इस तरीके से हार नहीं मान सकती। एली जेनिफर के घर पर चली गई तो जेनिफर घर के बाहर ही थी। उसे कहती है कि एंथोनी ये सब लेटर्स तुम्हें देना चाहता था। वो दोनों बात करने लग गए और जेनिफर एक्चुअल में बाद में हुआ क्या था ये वो बताती है। वो घर पर गई और लॉरेंस को सारी चीजों को लेकर उसने कन्फर्म किया। लॉरेंस कहता है कि मैं मेरे मैरिज को बचाना चाहता था, इसी वजह से मैंने झूठ कहा। जेनिफर कहती कि मुझे अब सब कुछ याद है, मेरे अफेयर के पहले से हम दोनों में कोई भी प्यार नहीं था, मैं सिर्फ हमारी डॉटर की वजह से तुम्हारे साथ हूँ। लॉरेंस उसे धमकाता है कि अगर तुम फिर से उसके पास गए तुम्हारी डॉटर की कस्टडी में हमेशा के लिए ले लूंगा, कोर्ट में तुम जीत नहीं पाओगी। जेनिफर इस बात से गुस्सा हो जाती है। अपनी डॉटर को लेकर एंथोनी के होटल में आके इंक्वायरी के बाद उसे पता चला कि एंथोनी ऑलरेडी वहां से जा चुका है। वो जहां पर काम करता था वहां पर रोके, पर उसे पता चला कि एंथोनी ने ऑलरेडी रिजाइन कर दिया है। वो कहां पर था इसके बारे में किसी को भी नहीं पता। जेनिफर के जाने के बाद वो बहुत ही हार्ट ब्रोकन था, अपने लिए कुछ टाइम चाहता था। उसके सारे लेटर जेनिफर न्यूज़पेपर के एडिटर को दे देती है, इसी वजह से ये सब एली को मिले थे। एली ने कहा कि क्या तुमने फिर से उसे कॉन्टेक्ट करने की कोशिश नहीं की। जेनिफर ने कहा कि बहुत किए, पर उसका मुझे कोई भी पता ही नहीं मिला। एली कहती कि अब तुम्हें उसके बारे में पता है, तुम उससे मिल सकती हो। जेनिफर कहती कि अब मेरी एज बहुत ही ज्यादा हो चुकी है, अब फिर से अगर मेरा हार्ट ब्रेक हुआ तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। वो फिर से उसे अप्रोच करने के लिए डर रही थी। इस सारी चीजों पर एली एक बहुत ही अच्छी सी स्टोरी लिखती है। इसमें उसने लिखा था पास्ट की वजह से हम बहुत डरते हैं, पर जो चीजें हमने एक्सपीरियंस की थी उसे फिर से एक्सपीरियंस करने का हमारे पास करेज भी होना चाहिए। ये लिखने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि रोरी की उसे बहुत याद आ रही थी। एली उसे कॉल कर कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आने से डर रही थी। रोरी पूछता है कि तुम कहां पर हो। एली कहती कि तुम्हारे घर के बाहर ही हो। भागते भागते उसके पास गया, उसे एक्सेप्ट कर लेता है। एली उसे जेनिफर और एंथोनी की पूरी स्टोरी बता देती है।
एंथनी कहता है कि उन दोनों ने अपने लेटर बॉक्स को अब तक ओपन रखा था। इसका मतलब है अब भी वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। वो डायरेक्टली एंथनी के पास गए, उसे एक लेटर लिखने के लिए कन्विंस करते हैं। एंथनी लेटर में लिखता है कि इतने सारे साल मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है, उसे फिर से मिलना चाहता था। 5 बजे उसे पार्क में बुलाता है। ये लेटर मिलने के बाद जेनिफर एक्चुअल में उसे मिलने के लिए चली गई। वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे। एंथनी ने कहा कि अपनी आंखें बंद कर लो। वो दोनों इमेजिन करते हैं कि उस रात ट्रेन में जेनिफर एंथनी से मिल गई थी। उसी वक्त से अपनी लाइफ को उन्होंने जीना स्टार्ट कर दिया। अपनी लव स्टोरी कंप्लीट करने के लिए उन्हें जरा लेट हो गया था, और फाइनली एक दूसरे के साथ थे। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बहुत सारी मूवीज लेकर आते रहे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, और आप अपने आप का ख्याल रखिए।